चेन मुबारक में रखिए कि अल्लाह के प्यारे उलमा ये वली अल्लाह हमें आदम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं अगर तालिब बामल वली नहीं है तो फिर दुनिया में वली है ही। हम लोगों ने समझ रखा है कि ये विलायत अलग है, इल्म अलग है। जो बामल आलिम होता है वही वली। हाजी गुलाम मुर्तजा तैयब साहब रहमतुल्लाह तआला है, हमारा ईमान है उसी जिंदगी वाले सोने जिस्म के साथ अपने कपड़े अनवर में तशरीफ फरमाए। ये तो आप बारह सुनते रहते हैं कि उनके गुलामों के कफन को कुछ नहीं होता, उनके जस्ते अतहर को भी कुछ होता। मेरा तो ये अकीदा है उलमा तशरीफ फरमाए उनके कदमों की खाक को, ये अल्लाह वाले दुनिया में जो औलाद के साथ या अजीज व अकारिब के साथ या दोस्त व अहबाब के साथ बीत नहीं होती है, कब्र में उनको सबका इलम। ये लोग पर्दा पोशी फरमाते हैं वरना मौत इनको अपने महबूब से मिलाने के लिए अल मौत यसर यूसर खुश दिली के साथ बैठा करे। इतने जो सफर करके आते हैं कब ये सोचे भाई कब खत्म होगा, तो ये नहीं है। हम उन प्यारों को राजी करने आए हैं, वो राजी हो गए तो सोना अल्लाह का, इसलिए खुश दिली से तो मैं यज कर रहा हूँ कि ये लोग एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होते हैं, वरना जितने लवाजमात यहाँ थे उससे भी बढ़ कर जन्नत की आला नेमतें वो कबर। यहाँ तो चलो जिंदगी में इम्कान है, खुदा न करे कीड़ा मकोड़ा काट ले, वहां तो ये इम्कान भी नहीं। कबर में उलमा औलिया अल्लाह के लिए ये इम्कान भी खत्म। वो कीड़ा मकोड़ा आ जाए, कोई सांप बिच्छू आ जाए, उनको कबर में काट जाए, ये मुमकिन ही नहीं। बैठे उलमा जगह कर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यदराउ अनु हशरात अर्द, मेरी उम्मत के जो उलमा होते हैं कब्रों में अल्लाह हशरात अर्द को उनके करीब ही नहीं आने। कैफ आकुलो व कलामो का फी जो फी बारा पढ़ चुका हूं, खबर को अल्लाह कहते हैं खबरदार मेरे बंदे के जिस्म को ना खाना। ऐसी है जब तेरा कुरान इसके सीने में मौजूद है तो मैं इसको खा कर सी सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मेराज पे जन्नत में गया तो मैंने ऐसे महल देखे बड़े खूबसूरत मूर्तियों से बने हुए और उनके सीन में तो मार्बल नहीं लगा हुआ, कस्तूरी बिछी मुश्क अंबर। फरमाते मैंने सिमीर अमीन से पूछा गुलामी करो ये किसके माल, ये आपकी उम्मत के उलमा और मुसलमीन के लिए। मैं अनुमान कहता हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह इस अलग में मैं बयानी की शिकायत नहीं करूँगा, होगी भी नहीं इंशाल्लाह। हुजूर मुफ्ती आलम कुद्दुस सिर्रुल अजीज पाक ने जहाँ अपनी औलाद को अपनी नाकों की ठंडक बनाए रखा, वहाँ भाइयों को दिल का टुकड़ा और जिगर का टुकड़ा बना रखा। किसी नहज पर महसूस नहीं होने दिया कि तुम जुदा हो मैं जुदा हूँ।
ये तुम्हारी औलाद आल औलाद मुझसे लेना है। भाई तो भाई रहे, हम जैसे खादिम महसूस करते थे कि शायद हमसे बढ़कर किसी से मोहब्बत है। तो भाभियों ने मुझसे ज्यादा की, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दी, केस करवा दिया। मालपुर में 2 साल की सजा को मुफ्ती आजम पाक के कदमों के कुर्बान जाए, वहाँ बच्ची बच्चों से घर वालों से कहा दुरूद चीना पढ़ो, जब तक चिश्ती रिहा नहीं हो जाता घरों में बैठ कर। क्या हैसियत है, जिंदगी भर अपने कदमों के साथ लगा के हमें इस काबिल बनाया। आज दुनिया ये समझती है कि ये भी कोई तालिबे इल्म, ये सब कुछ अल्लाह वालों की नजर होती है। सरकार की शान में पढ़ता हूँ, फैज आजम पाक तूने जर्रों को देखा तो जर कर दिया, तूने कतरों को देखा तो हर हर दिया। जब मेरे ही नजर आया तो जान मानी ऊंची आवाज, तूने जर्रों को देखा तो जर कर दिया, तूने कतरों को देखा गौहर कर दिया, तूने हबशी को रश्के कमर कर दिया, उल्टा सूरज मेरा नाम तेरा गुणगान। मैं अपनी मिलाई तस्वीर करता हूँ, फिर अंतरुवाद रही नहीं आ जाएगी, हो सकी सरपुर का दूसरी तरफ लाहौर चला गया। वो कसाई में कटड़िया 5 मिनट में बोलना है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना मेरी आंखों को है दीद की दारू, रुख से पर्दा उठाना तेरा अल्लाह वालों में। तू खबरों में जाकर जो कुछ हो रहा था सब कितना, अरे मैंने अभी बात को देखा, उन्होंने बकायदा घर वालों को बताया फुला दिन घर की बिल्ली बहुत होगी, फुला दिन मेरी फुला बेटी बहुत। कब्र में जाने के बाद भी इतना उनका इलम साबित की बात जंगे जमानों में सही, उनकी शहादत का सदका अल्लाह इन घरों में खुशियां बरकत, घरों की सब परेशानियां दूर करे, उनकी कब्रें नूर ना लागू, उनकी दुआओं का सदका हम सब की दुआओं को कबूल। आखिरी बात कर रहा हूँ, जब मैं ये मामा में शहीद हूँ तो आपकी जीरा मुबारक किसी फौजी ने उतार, आपने उस वक्त जो सिपा सरदार आजम थे सैफ बिन शुजू के नाम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने को ज्यारत कराई, फरमाया मेरी जीरा फुला फौजी ने उतार ली है, वो उससे वसूल करो, और अमीर उल मोमिनीन हजरत सिद्दीक के पर भी अल्लाह तआला ने की पाक बारगाह में पेश करो, उसको फरोख्त करें, फुला फुला बंदे का मैंने कर्जा देना है, मेरा कर्जा मुफ्ती आजम पाक में फैसान है कब्र में जाने के बाद किसी को कोई पता नहीं क्या हो रहा है, और उनका सियापी कब्र में जाने के बाद सब कुछ बता रहा, यही नहीं पूछो इस करीमों से कि आपने बकायदा बताया कि मेरे को जो फौजी है उसके घर के अंदर तनूर है
और उसके साथ हांडी के नीचे उसने वो मेरी जीना छुपा है। तो भाई अंदाजा फरमाइए, जिंदगी में शायद जिंदा होते बंदे का इतना ही लम्हा ये गुनाह चीज कहां रखी, यहां सरकार के गुलाम कब्रों में जाने। उलमा लिख रहे हैं कि ये उम्मत के वो खुशनसीब हुजूर के गुलाम हैं जिनके विसाल के बाद इनकी वसीयत पर अमल किया। यकीनन उन्हीं के फैजान से ये लोग अपनी कब्रों में जिंदा हैं, सरकार के कदम चूमने के मजे लेते हैं, आशिक की तिलावत करते हैं, जन्नत की नेमतों से बराबर उठते हैं, जिक्र इलाही में वहां भी सबको सुख रखे ताकि उनको भी कब्र में सुख रखे, जितना उनकी औलाद घर वालों को सुख पहुंचाओगे उतना उनको वहां सुख, उनके दर्जात बुलंद हो और उनकी दुआओं से हम सब अल्लाह ताला शिफाए कामला के साथ बेहतर करवाए, इसलिए बरकत दे कि हुजूर की गुलामी करें, हुजूर की आज़ाद के मिशन हुआ। Oh, my God.